श्रीनगर गढ़वाल में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर जहां भाजपाई मुखर हैं, वहीं भाजपा ने प्रशासन को लिखित में पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों पर भाजपा नगर इकाई का कहना है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और बंद नहीं होने पर किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जब श्रीनगर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के होने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है तो स्थिति समझी जा सकती है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हमने तमाम दुकानों को टारगेट करा कि श्रीनगर में जितनी अवैध मांस की दुकानें बिल्कुल जो नियम विरुद्ध है, किसी भी हाल में नियमानुसार है ही नहीं, वहां पे खुल ही नहीं सकती है। पार्टी ने और हम लोगों ने लिख के SDM साहब को दिया है कि जो भी अवैध हैं, अवैध दुकानें संचालित हैं, सभी को बंद कर दिया जाए। आम जनता के हित में जो गलत है उसके साथ प्रशासनिक व्यवहार की कार्रवाई की जाए। सरकार तो BJP की है, विधायक भी उन्हीं के हैं, वो मंत्री भी हैं। जब उन्हीं के वर्कर की नहीं सुनी जा रही है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं जो चाह रहे हैं कि ये ना हो, वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इससे पहले लाइसेंस वाली प्रक्रिया के संबंध में कार्रवाई हुई नहीं थी। इसमें जो हमारे स्टेप्स रहते हैं कि स्लॉटरिंग दुकान पे बंदों को हमने बंद करवा दी थी, उसके बाद 2-3 बार हमने राउंड चेक करे थे, 8-9 दुकानों का मांस सीज करा। इसके बाद थोड़ी सी सख्ताई होने की वजह से लोग सचेत हुए, लाइसेंस की प्रक्रिया फिर उसके बाद शुरू हुई।